भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार राजमणि पटेल भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्गजों की मौजूदगी में राजमणि पर्चा भरेंगे। अजय सिंह, अरुण यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस से राज्यसभा के उम्मीदवार राजमणि पटेल जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और चूंकि राज्यसभा जा रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद थी कि बिल्कुल पार्टी उच्च सदन पहुंचाएगी? नहीं, पार्टी ने जिस विश्वास के साथ में हमें दायित्व सौंपा है, सभी नेताओं का साथ ले करके निश्चित रूप से दायित्व पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो इस मध्य प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, बड़े संयोजित तरीके से उस ताकत को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके स्वाभिमान और सम्मान को दबाया जा रहा है और धर्मांधता के नाम पर धर्म को भटकाया जा रहा है और इन वर्गों का सबसे अधिक शोषण हो रहा है। अब पार्टी निश्चित रूप से विश्वास किया है हमारे ऊपर, और जिस भावना के आधार पर विश्वास किया कि इनके स्वाभिमान और सम्मान की हम आवाज़ उठाएंगे, इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये जो विश्वास व्यक्त किया है, हमारा प्रयास होगा कि हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करें। अब लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन बीच का अगर एक आध दशक की बात किया तो लगभग कोई महत्वपूर्ण ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी, पर अचानक सीधे राज्यसभा का टिकट मिलना। जिम्मेदारी अपने काम में होती है, हम तो हमेशा जब सरकार में रहे हैं, जब नहीं रहे हैं तब भी हम पिछड़ों के, दलितों की, गरीबों की आवाज उठाते रहते हैं, इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूरे प्रदेश में दो बार एक बार 64 दिन की और एक बार 35 दिन की जागरण यात्रा निकाल करके हम हमेशा उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम सत्ता में हैं कि नहीं। ऐसी कौन सी बात थी, क्या ओबीसी तबके का होना, हार्दिक पटेल के साथ मंच साझा करना इस बार माना जा रहा है बड़ा फैक्टर, वो आपके फेवर में गया इसलिए राज्यसभा के लिए आपको चुना? नहीं नहीं, फैक्टर का सवाल नहीं, सवाल ये कि जो जायज बातें हैं, जो देश के लिए है, गरीब के हित के लिए, उन बातों को माने बात करना, उनके साथ बैठना जो है देश हित में है। अब इसको अपने अपने तरीके से कोई परिमार्जित करता रहे, परिभाषित करता रहे, उसकी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजमणि पटेल जी, पूर्व मंत्री है, राज्यसभा से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार इस बार है और कहीं ना कहीं ओबीसी तबके से आते हैं, हार्दिक पटेल के साथ मंच साझा किए थे। इस बार चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है ओबीसी तबका, और शायद यही वजह है कि राजमणि पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।